हेलो फ्रेंड्स, आज की भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो कि क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों के लिए बेहतरीन है। और उसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो है हम एक ट्रेडिंग बोर्ड भी बनाने वाले हैं जो कि चैट जीपीटी से डिज़ाइन करेंगे। और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, ये जो ट्रेडिंग बोर्ड होगा, हर उस जहन के लिए आसान है कि जिसे ट्रेडिंग आती है या नहीं आती है। मतलब ये कि बिगनर्स के लिए और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए बेहतरीन है। और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूँ, 80% प्लस विन रेट देती है। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी मैंने चैट जीपीटी से ही ली है। तो बात को शुरू करें, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो के एयरड्रॉप्स के हवाले से, क्रिप्टो में कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो कि हमें 10x 20x का प्रॉफिट देते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी अगर हम बात करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से, तो जैसा कि मैंने बोला, इस स्ट्रेटजी को आप लोग क्रिप्टो फॉरेक्स दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग के लिए मैंने जो टाइम फ्रेम यहाँ पे रखा है वो है 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। और अगर आप लोग इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को 1 हफ्ते में सिर्फ 5 दिन भी यूज़ करते हैं, मतलब इस पर काम करते हैं, तो आंखें बंद करके ये हमारे अकाउंट को 40% तक इंक्रीज़ करती है। मतलब ये कि 1 माह अगर काम करते हैं तो 200% तक ये हमारे अकाउंट को इंक्रीज़ कर सकती है। सो इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप लोग कैसे क्रिएट करेंगे, और चैट जीपीटी से जो मैं ट्रेडिंग बोर्ड यहाँ पे डिज़ाइन करने वाला हूँ, वो ट्रेडिंग बोर्ड हमारे अकाउंट को 30 डेज में 1000% तक कैसे इंक्रीज कर सकता है, हम इस पर भी बात करेंगे। अभी हम पहले बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे और फिर आएंगे चैट जीपीटी से ट्रेडिंग बोर्ड डिज़ाइन करने के लिए। इस वक्त मेरे पास में इथेरियम यूएसडी का ट्रेडिंग पेयर है और जो टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो है 5 मिनट। और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हम सिर्फ 2 इंडिकेटर्स यूज़ करने वाले हैं। पहला इंडिकेटर जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है जी चैनल ट्रेंड डिटेक्शन के नेम से, इसका जो ऑथर है उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। सेकंड जो इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसकी हम लेंथ रखेंगे 200। इस स्ट्रेटजी को वैसे तो यूज़ करना बहुत आसान है, मतलब ये कि बाय ट्रेड के लिए जब जी चैनल आपको बाय का सिग्नल दे और प्राइस एक्शन जो है आपका 200 की EMA से अबव हो तो आप लोग यहाँ पे बाय ट्रेड लेंगे। और सेल ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, जैसे ही जी चैनल आपको सेल का सिग्नल देता है, प्राइस एक्शन 200 EMA से नीचे होता है, तो आप लोग यहाँ पे अपना सेल ट्रेड लेंगे। और अगर अभी हम बात करते हैं सिर्फ बाय ट्रेड की, तो मेरे पास में ये एक रिस्की ट्रेड है। मतलब ये कि जी चैनल की तरफ से बाय का सिग्नल तो मिल चुका है, मगर जो प्राइस एक्शन है उसने अभी भी 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, मगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेता हूँ। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो होगा हमारा प्रीवियस लो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिस्की ट्रेड थी, मगर इसने हमारे स्टॉप लॉस की निस्बत तकरीबन 2 गुना हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। और अगर आप लोग इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को 15 मिनट्स और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं तो ये आपको और भी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। बहराना बात करते हैं अभी सेल ट्रेड की, तो ये बिल्कुल बाय के ऑपोजिट है। सेल सिग्नल मिलते ही अब हमने वो कैंडल देखनी है जिसने 200 EMA से नीचे क्लोजिंग दी हुई है, और सेम कैंडल में आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। और एग्जिट पॉइंट जो है वो होगा जब आप लोगों को बाय का सिग्नल मिले। मतलब ये कि जब आपने बाय ट्रेड लिया तो एग्जिट पॉइंट होगा जब आपको सेल का सिग्नल मिले, और जब आपने सेल ट्रेड लिया है तो आपका एग्जिट पॉइंट वो होगा जहाँ पर आपको बाय का सिग्नल मिले। अब अगर आप लोग देखो तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है, बहुत ही आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है। अब इस सेम स्ट्रेटजी के ऊपर हम एक ट्रेडिंग बोर्ड बनाएंगे जो खुद से बाय करेगा, खुद से सेल करेगा। एग्जिट पॉइंट हम इसे बताएंगे, हम इसे अपना स्टॉप लॉस भी बताएंगे कि इसने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। तो बहुत आसान काम है। अब जो आगे बताने लगा हूँ इसे बहुत गौर से सुनिएगा। जी चैनल इंडिकेटर की सेटिंग के साथ में 3 डॉट्स आपको मिल रहे हैं, उस पर क्लिक करें, सोर्स कोड पर क्लिक करें, स्क्रिप्ट जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है उसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लें, चैट जीपीटी पर आएंगे। अब हम इसे यहाँ पे सेम वही इंस्ट्रक्शन देंगे जो कि हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कर रहे थे। मतलब क्या कि जी चैनल का बाय सिग्नल मिलने पे, प्राइस सेक्शन 200 EMA से अबव होने पे हमारी बाय ट्रेड लो, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रखो प्रीवियस लो, और जो एग्जिट पॉइंट है वो रखो जैसे ही बाय के बाद सेल का सिग्नल मिले। और इसके ऑपोजिट हम इसे बताएंगे सेल ट्रेड के लिए, और जो सोर्स कोड हमने ट्रेडिंग व्यू से कॉपी किया है वो यहाँ पे लाकर हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो कंटेंट मैंने चैट जीपीटी पे लिखा है ना, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी परेशानी नहीं लेनी है। बहरहाल चैट जीपीटी आप लोगों को कुछ ही सेकंड में एक सोर्स कोड दे देता है। इस सोर्स कोड को आप लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, वापस आएंगे, ओपन पर क्लिक करें, न्यू स्ट्रेटजी पर क्लिक करें, जो सोर्स कोड पहले से मौजूद है उसे सेलेक्ट करें और चैट जीपीटी से लिया हुआ जो सोर्स कोड है वो यहाँ पर भी पेस्ट कर दें। ऐड टू चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आप लोग क्लिक कर दें, स्ट्रेटजी टेस्टर पे क्लिक करेंगे तो GCEMA स्ट्रेटजी के नेम से हमारा ये जो ट्रेडिंग बोट है ये यहाँ पे डिज़ाइन हो रहा है। सेटिंग पे क्लिक करें,
इनपुट्स पे क्लिक करें। जी चैनल की जो लेंथ है इसे आप लोग 5 रखें, ईएमए की जो लेंथ है इसे आप लोग 200 रखें। इनिशियल कैपिटल में आप लोग 100 लिख दें और आपका जो ऑर्डर साइज़ है वो हमेशा इनिशियल कैपिटल को फॉलो करेगा, मतलब जो उसमें लिखा है सेम यहीं भी आ जाएगा। पैरामेडिंग में आप लोग 3 टाइप कर दें। स्टाइल में आएंगे जो दोनों आपको शेप्स को ऑप्शन नज़र आ रही हैं, इन दोनों को आप लोग यहाँ से अनचेक कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। अब हमारा ये जो बॉट है रेडी हो चुका है, मगर इसे अगर किसी एक्सचेंज के साथ तो कनेक्ट करना है ना, मतलब कि जिस एक्सचेंज पे जाकर हम ट्रेड करेंगे वहीं पे तो ये काम करेगा। तो इसके लिए आप लोग पॉइनएक्स एक एक्सचेंज है भाई, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अकाउंट क्रिएट हो चुका है आपका, उसके बाद में आप लोग फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे, देन फ्यूचर बॉट पे क्लिक करेंगे, सिग्नल बॉट पे क्लिक करेंगे। इधर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे भी आप लोग सिग्नल बॉट को ही सिलेक्ट करेंगे। नीचे आकर आपको ट्रेडिंग व्यू कस्टम सिग्नल पे क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दें। सेट सिग्नल नेम में आएँ और टाइप कर दें जी चैनल, कन्फर्म पे क्लिक करें, उसके बाद कन्फिगर पे क्लिक करें। यहाँ पे आकर भी हमें इनिशियल कैपिटल और ऑर्डर जो साइज़ है वो टाइप करना है, और ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके पास में कितना कैपिटल है। जितना कैपिटल है वही चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने टाइप कर देनी है। अमाउंट्स फिल करने के बाद में आई हैव कम्प्लीटेड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। अब एक पेज ओपन होगा, वेब हुक यूआरएल जो है इसे आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब आप लोगों ने वापस ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है। स्ट्रेटजी अलर्ट का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, कन्फर्म करें और वेब हुक यूआरएल का जो ऑप्शन है इसे चेक करें इनेबल है या नहीं है। जो एड्रेस आप लोगों ने पॉइनएक्स से कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप सुन लें, वापस सेटिंग के ऑप्शन में आएंगे और इस मैसेज को यहाँ से डिलीट कर दें और जो पहले से हमने पॉइनएक्स से कोड कॉपी किया हुआ है यहाँ पे सेम वही पेस्ट कर दें। क्रिएट पे क्लिक करें, कुछ नीचे आएंगे और आई हैव क्रिएटेड अलर्ट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। अब हमारी ये जो ट्रेडिंग बॉट है 100% रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर आकर ट्रेड लगानी है और जैसे हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बात किया था, ये खुद ब खुद बाय भी करेगा और सेल भी करेगा और अपना जो स्टॉप लॉस है वो खुद ब खुद ही यहाँ पे आकर सेट करता रहेगा। मतलब ये कि जो चीज़ हम मैनुअल कर रहे थे अब सेम वही जो चीज़ है आपकी ट्रेडिंग बॉट करने वाली है। और इस वीडियो पे मेरे भाइयों अच्छी खासी मेहनत लगी है, और अगर आप लोग इसी किस्म की और भी वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, सो दैट हम आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोज़ लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।